हेलो दोस्तों, ये इस्लामिक की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 13 है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो साई अपना काम कर रही थी और नरेश उसे खाना खिलाने लगता है और खाने को कहता है तो वह खुद खाने लगती है। अब साई मियाई को हॉस्पिटल ले जाने के लिए आई होती है और जाने से पहले नरेश को घर की चाबियां देकर जाती है ताकि वह घर चेक कर सके कि घर में कोई है या नहीं। अब वह ऊपर आकर कमरे में देखता है, वहाँ नारिन का सामान रखा होता है और फिर नारिन आता है उसके पीछे और नारिन को देख नरेश बहुत खुश होता है। नारिन कहता है मैं मर नहीं सकता, मैं बदला लेने के लिए आया हूँ। नरेश कहता है मतलब वो एक्सीडेंट नहीं था। वह नरेश को इट की सच्चाई बताता है, वाटरफॉल में गिरने के बाद इट ने उसके साथ क्या किया था। उसे बेहोश कर जमीन में दफनाने के लिए ले जाता है, तभी नरेश का लॉकेट भी गिर गया था जो साई को मिला था। इट नरेश को जमीन में दफना देता है। नरेश कहता है जब मुझे होश आया था तो वहाँ बहुत अंधेरा था, मुझे बहुत भारी महसूस हो रहा था और मुझ में बिल्कुल शक्ति नहीं थी, लेकिन मैंने अपने मन को मजबूत किया कि मेरे बाद तुम सभी अगला टारगेट होगे। सो मैंने हिम्मत जुटाकर बाहर निकलने की कोशिश की और मैं बाहर निकल आया, लेकिन मेरा शरीर बहुत कमजोर था तो मैं कुछ दूर ही चल पाया और बेहोश हो गया। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद नरेश जाने लगता है इट के पास। नरेश समझाता है उसे कि मैं कुछ इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि हमारे पास पूरे सबूत नहीं है, उसकी पूरी सच्चाई सभी के सामने आनी चाहिए, लेकिन वह तो बहुत गुस्से में था और इट के पीछे चला जाता है। नरेश भी आता है उसके पीछे और वह गुस्से में इट के पास जाता है, लेकिन तभी कॉमिश आ जाता है वहाँ उसे पूछताछ के लिए ले जाने के लिए। इट बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और साथ में नरेश को भी उसे ज्वाइन करने को कहता है। इट बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा था तो नरेश उसे गुस्से में कहता है कि तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो। तो वह कहता है मैं खुश हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ चल रहे हो। नरेश वहाँ खड़ा सब कुछ देख रहा था और सोचता है इसे पुलिस का बिल्कुल भी डर नहीं है, और याद करता है जब उसे इट की सच्चाई और घोटालों के बारे में पता चला था तो उसने इट से साफ साफ कहा था कि जो पैसे तुमने चोरी किए हैं वो लौटा दो। तो इट पहले तो इनकार करता है कि उसने नहीं किया है ये सब। नरेश उसे कहता है यह सब बहुत दिनों से चल रहा है, सीधे से पुंडरा का पैसा वापस कर दो। तो इट उसका असली रूप दिखाता है और उस पैसे को अपना कहता है और पुंडरा को भी अपना बताता है कि वह जगह उसकी है। नरेश कहता है तुम्हारा पुंडरा से कोई लेना देना नहीं है, मेरे पिता ने ये जगह तुमसे खरीद ली थी। लेकिन इट तो मानने को तैयार नहीं था और नरेश भी उसे वार्निंग देता है कि अपना गुनाह कबूल कर पैसे लौटा दो, नहीं तो उसे उसके खिलाफ एक्शन लेने में देरी नहीं होगी। यहाँ पूछताछ में इट बड़ी चालाकी से साबित कर देता है कि जिस वक्त सुमसरी की मौत हुई थी वह साई और नरेश के साथ था, इसलिए उसने नरेश को साथ में आने के लिए कहा था। इट कहता है मैं पूरे समय इन दोनों के साथ था और उसके बाद इन्हीं के साथ मियाई को देखने हॉस्पिटल भी गया था, तो मैं सुमसरी को कैसे कुछ नुकसान पहुँचा सकता हूँ। अब ये दोनों यहाँ पे खड़ी होती हैं और बहुत ज्यादा उत्सुक होती है कि अंदर इट के साथ क्या बातें चल रही होंगी। तभी पीछे मियाई आती है साई के साथ। मियाई साई को पीछे हटने को कहकर नीचा के पीछे जाती है और नीचा को बहुत गुस्सा आता है और वह कहती है तुम पागल हो गई हो क्या, क्या डॉक्टर ने तुम्हें गलत दवाइयां दे दी है। लेकिन वह तो हंसते हुए कहती है गुस्सा नहीं करने को। नरेश पुलिस के साथ आता है और सभी को पता चल जाता है कि इट का गुनाह भी साबित नहीं हुआ है, और जाहिर सी बात है ये बात नीचा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि इट को वहाँ फंसाना चाहती है। अब सभी के जाने के बाद साई नरेश से कहती है मियाई को घर ले जाने के लिए ताकि वह अपना काम कर सके। नरेश मियाई को लेकर जाता है। अब नरेश सब कुछ देख रहा था, हालांकि उसने मास्क पहना हुआ था, लेकिन साई को वह जाना पहचाने लगता है और वह कहती है ये तो नरेश जैसा लग रहा है। तो यह बात सुनकर नरेश रुक जाता है और मियाई भी घबरा जाती है। साई नरेश के पीछे चली जाती है और मियाई नरेश से कहती है चलो उसका पीछा करो, लेकिन साई तो बहुत आगे थी और ऊपर से मियाई व्हीलचेयर पर। अब नरेश बहुत आगे था, जब तक साई पहुंचती है वहां से कोई नहीं मिलता। वह पूछती भी है कि आपने किसी व्यक्ति को देखा है जो नरेश से सिमिलर था, लेकिन तभी वहां नरेश और मियाई भी आ जाते हैं और मियाई उससे कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम क्या सोच रही थी। लेकिन वह मियाई की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और चली जाती है नरेश को ढूंढने के लिए और उसे नरेश नहीं मिलता। अब नरेश मियाई को लेकर घर आ जाता है। अब ये दोनों बात करते हैं इस बारे में, क्योंकि मियाई को थोड़ी ना पता है कि
नरेश मिल चुका है नारिन से, तभी फिर पीछे से नारिन आता है और मियाई को भी समझ में आ जाता है कि ये दोनों भाई पहले मिल चुके हैं। अब मियाई उन दोनों से कहती है तुम दोनों बात करो और चली जाती है। यहाँ पे मियाई को भी अपनी गलतियों का पूरा एहसास हो चुका है कि उसने जो भी किया वह गलत किया और वह अपनी गलतियों के लिए बहुत गिल्टी महसूस कर रही होती है। अब ये दोनों भाई बात करते हैं और यहाँ पर नारिन उसे बताता है कि वह तो बेहोश हो गया था क्योंकि उसमें बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी। तो एक पागल आदमी आया था जिसने नारिन के कपड़े ले लिए थे। उसके जाने के बाद यह दादाजी आते हैं और यही नारिन को लेकर जाते हैं, बचाते हैं। और यह भाई अंकल हैं जिसके बेटे को कौमिश और नरेश पकड़ने के लिए गए थे, लेकिन यह अंकल ने आकर अपने बेटे को बचाकर ले गया था। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि वह किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते थे कि कौन सही है और कौन गलत। नारिन उसे यह भी बताता है कि मुझे पहले ही समझ में आ गया था कि इट इतनी आसानी से चुप बैठने वाला नहीं है, इसीलिए उसने साई से भी पहले कह दिया था कि अगर मुझे कुछ होता है तो वह पुनरा का ख्याल रखे। और एक पर्सन आता है इन दोनों के पास और वह उनसे पूछता है आपने जिसकी जान बचाई, और नारिन का फोटो दिखाकर पूछता है क्या वह यही है, और वह यह बात सुनकर खुश होता है। और अभी इसके बारे में ज्यादा कुछ हमें बताते नहीं है। और नारिन भी नरेश से यही कहता है कि जब सही वक्त आएगा तो तुम उससे मिल लेना और तभी तुम्हें सारा सच भी पता चल जाएगा। तो वह कहता है ठीक है, और वह तो इसी बात से खुश था कि उसका भाई वापस आ चुका है। साई घर पर नरेश का इंतजार कर रही होती है। जब वह आता है तो उससे बोलती है वह कि तुम बड़े लेट आए हो। तो वह उसकी नकल करता है। तो वह उससे पूछती है कि तुम मुझे बताओ कि तुम मियाई के घर पर क्या कर रहे थे इतनी देर से, और कहती है तुम मियाई के बाजू में एक मिनट खड़ा रहना पसंद नहीं करते थे और तुम इतनी देर वहाँ पर थे। तो वह कहता है पहले की बात अलग थी। तो वह उसके पास आकर उसे घूरती है। नरेश जो हमेशा करता है वही करता है, और फिर ये दोनों मस्ती करने लग जाते हैं। इसी चक्कर में साई को बेचारी को चोट लग जाती है, लेकिन नरेश अपनी हरकतों से कहाँ बाज आता है। वह फिर उसे टीज करता है, तो ये दोनों अगेन मस्ती करने लग जाते हैं। और फिर वह उसे सीरियस होकर पूछती है कि बताओ तुमने मियाई का घर चेक किया था, तुम्हें कुछ मिला या नहीं। तो वह कहता है मिला ना, और फिर से उसके साथ मजाक करता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में हम क्या देखते हैं कि साई की सौतेली माँ आई होती है उसके पति के साथ, और साई का फोटो दिखाकर पूछती है उसके बारे में। और इधर साई के पास नीचे आती है जो कि काफी बौखलाई होती है क्योंकि इसको कोई सजा नहीं मिली है, और उससे कहती है कि मैं भूली नहीं हूँ कि तुम मेरे मामलों में कितनी दखल देती हो, और उसे काफी कुछ कह रही होती है और कहती है कि तुम मियाई को मेरे खिलाफ भड़का रही हो, और उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती है अगर तुमने ऐसा दोबारा किया तो मैं एक थप्पड़ पर नहीं रुकूंगी। तो इस बात पर साई को बहुत गुस्सा आता है और इस बार वह भी एक थप्पड़ लगाती है जोरदार नीचा में। और साई उससे कहती है कि तुमने अचानक से मुझे थप्पड़ मारा जिसका जवाब मैंने तुम्हें दिया है, और उसे धमकी भी देती है कि क्या हमें समझ में नहीं आता इट को अगर सजा मिलेगी तो इसका पूरा फायदा तुम्हें ही होगा क्योंकि तुम ही अकेली बचोगी इसके बाद। तो यह बात सुनकर वह उसे थप्पड़ मारने वाली ही होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर बी आ जाते हैं और ये लेकर आए होते हैं साथ में साई की स्टेप मॉम को, जिन्हें देखकर साई को शॉक लगता है। और उसकी माँ उससे कहती है तुम्हें हमें देखकर शॉक क्यों लगा, तुम्हें क्या लगा तुम हमें इतनी आसानी से छोड़कर चली जाओगी। और तभी इसका सौतेला बाप भी बोलता है कि मेरी बेटी से बहुत प्यार से बात करो अजीब तरह से, और साई उसे घूरकर देख रही होती है। और फिर साई याद करती है कि उसके स्टेप फादर ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और उन्हें गुस्से से चले जाने को बोलती है। तो उसकी स्टेप मॉम उसे धमकी देती है कि मैं तुम्हारा सच सबको बता दूंगी और फिर तुम यहाँ ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगी। और ये सब सुनकर नीचा मुस्कुरा रही होती है। यहाँ इट जॉन पॉन के साथ जा रहा होता है, थोड़ा गुस्से में होता है और गेट खटखटाता है और कहता है कि नरेश दरवाजा खोलो, और फिर काफी चीखने चिल्लाने के बाद नरेश दरवाजा खोलता है। इट उससे कहता है कि तुम सीसीटीवी कंट्रोल रूम में क्या कर रहे थे। तो वह उससे कहता है कि मैं सारा डाटा लेने आया था अभी तक का, और नरेश गायब हुआ था उससे पहले का। तो यह बात तो सुनकर इट कहता है कि अगर तुम्हें चाहिए था तो तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं पहले, और तुम इस तरह से क्यों ले जा रहे थे। तो नरेश उससे कहता है मेरे पास पूरे अधिकार हैं, मुझे तुमसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, और जाने लगता है। तो पुलिस वाला
कंप्यूटर की हार्ड डिस्क लेकर जा रहा होता है तो इट कहता है तुम हार्ड डिस्क क्यों ले जा रहे हो। और जॉन ब्राउन भी उसका रास्ता रोकता है कि इट से पूछे बिना आप हार्ड डिस्क नहीं ले जा सकते क्योंकि सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी जो है वो इट की है और जॉन ब्राउन की है। तो फिर नरेश बोलता है मैं अलाउ करता हूँ हार्ड डिस्क ले जाने से, तुम मुझे रोकोगे क्या? और उससे कहता है कि मैं तुम्हें अभी यहाँ से निकालना चाहता नहीं हूँ, सो प्लीज पुलिस को अपना काम करने दो। जब पुलिस वाला जाने लगता है तो इट फिर से उनके सामने जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें ये ले जाने नहीं दूंगा। अब ले जाने भी क्यों देगा, उसके सारे राज जो सामने आ जाएंगे। नरेश उसे कहता है कि कोई भी मुझे हार्ड डिस्क ले जाने से नहीं रोक सकता और चला जाता है। अब ये लोग हार्ड डिस्क ले आए थे तो ये लोग सोमसरी के कंप्यूटर को रिकवर करने का ट्राई कर रहे थे और रिकवर हो भी जाता है। यहाँ इट परेशान होता है क्योंकि वो लोग हार्ड डिस्क ले गए और कहता है कि अगर उन्हें वह फाइल मिल गई जो कीर्ति पुम ने उसकी मौत से पहले सोमसरी को दी थी तो हमारे लिए बहुत खतरे की बात होगी। अब यहाँ पर सब कुछ सही चल रहा था तो नारिन के पास फोन आता है। नरेश उसे कहता है कि डाटा रिकवर हो चुका है और नारिन उसे भेजने को बोलता है तो वह उसके पास भेज देता है। अब सब कुछ सही चल रहा था तो नारिन का मूड थोड़ा अच्छा था तो यहाँ पर ये लोग काम कर रहे थे तो वह आता है और एक फूल ले लेता है, ऑब्वियसली साइकिल ही ले रहा होगा, और उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। यहाँ ये लोग ठूस ठूस के खाना खा रहे होते हैं। साइन से कहती है अब तुम लोगों का हो गया हो तो प्लीज तुम चले जाओ यहाँ से, लेकिन ये लोग तो जाने के लिए तैयार नहीं थे, उल्टा साई को ही धमका रहे थे हम तुम्हारा राज किसी को नहीं बताएंगे, बस हमारी एक कंडीशन मान लो। साई उसे कहती है साफ साफ बता दो मैं क्या चाहिए। ये लोग साई से पैसे मांग रहे होते हैं और उसकी माँ कहती है कि हमने तुम्हारी कितनी मदद करी, तुम्हें पढ़ाया और तुम हमें धोखा देकर भाग गई। तो साई उनसे कहती है तुमने मेरी मदद की, मैं तुम लोगों का खर्चा उठाती थी अपना भी, अपनी पढ़ाई का भी, पार्ट टाइम जॉब करके, बल्कि तुम लोगों ने तो मुझे स्कूल छोड़ने पर भी बहुत मजबूर किया था। तो ये लोग उससे बहुत सारा पैसा मांग रहे होते हैं, 10 मिलियन। तो पैन कहती है तुम्हें क्या लगता है साई यहाँ की ओनर है जो तुम्हें इतने पैसे देगी? तो साई उससे कहती है कि मैं तुम्हें 2 या 3 हजार से ज्यादा नहीं दे सकती हूँ, लेकिन ये लोग साई के पीछे पड़े होते हैं कि हमें दे दो पैसे। तो साई उनसे कहते हैं अपना गंदी शकल लेके यहाँ से चले जाओ और पैन से कहती है जाओ इनको बाहर का रास्ता दिखाओ और साई चली जाती है। अब यह सब देख रहा होता है नरेश तो वह उसे देखते ही गले से लगा लेता है और उसे कहता है मैं तुमसे अलग रहा, मुझे नहीं पता था कि तुमने कितनी मुसीबतों का सामना किया है। तो साई उसे कहती है सब भूल जाओ नरेश, अब बहुत समय हो चुका है, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी।